हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे खंडवा के बारे में और वहाँ घूमने की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खंडवा नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य बसा हुआ है। खंडवा जिले को मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। खंडवा शहर का प्राचीन नाम खंडव वन था, जो कि बोलचाल में धीरे धीरे खंडवा हो गया। 6200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले खंडवा की सीमा बैतूल, होशंगाबाद, बुरहानपुर, खरगोन और देवास से मिली हुई है। खंडवा जिले में कुल 1338 गांव शामिल है। खंडवा की टोटल पॉपुलेशन 2022 में 14 लाख के लगभग हो चुकी है। खंडवा जिले की साक्षरता दर 73% है। मशहूर गायक किशोर कुमार, शान और फिल्म एक्टर अनूप कुमार जैसे कई जाने माने चेहरों की बर्थ प्लेस यानी जन्मभूमि रही है खंडवा। अब हम बात करेंगे खंडवा में घूमने की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है क्लॉक टावर। यह खंडवा का बहुत ही पुराना क्लॉक टावर है, जिसे 1884 में अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 12 फरवरी 1884 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में 4 साल लगे, यानी यह 1888 में बनकर तैयार हुआ। यह घूमने की ऐसी कोई खास जगह तो नहीं है, लेकिन आप इसे एक बार देखने जरूर जा सकते हैं। नंबर 9 पे है किशोर कुमार स्मारक। यह जगह सिंगर किशोर कुमार की याद में बनाई गई है। आप खंडवा जाए तो आपको यहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ आपको उनकी मूर्ति, गार्डन, फाउंटेन यानी फवारे और उनकी समाधि स्थल भी देखने को मिलेगी। और यहाँ म्यूजियम बनने की प्रोसेस भी चल रही है। यहाँ आप सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 8 पे है संत सिंगाजी धाम। यह जगह खंडवा शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह संत सिंगाजी की 400 साल पुरानी समाधि स्थल है। पहले यह समाधि पानी में जलमग्न हो चुकी थी, लेकिन बाद में यहां एक 74 फीट ऊंचा कुआं बनवाया गया, जिसमें समाधि को संरक्षित किया गया। और यह समाधि 300 दिन पानी में डूबी रहती है और सिर्फ 65 दिन ही पानी के बाहर रहती है। लेकिन इस जगह तक आम जनता नहीं जा सकती, यहाँ सिर्फ महंत और पुजारियों द्वारा पूजा पाठ होते हैं। और यह जगह पानी के बीचों बीच बनाई गई है, जो कि काफी खूबसूरत लगती है। यहाँ हर साल 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। अब नंबर 7 पे है धोनी वाले दादाजी दरबार। यह खंडवा का बहुत ही प्रसिद्ध दादाजी का मंदिर है। यहाँ पे धोनी वाले दादाजी यानी केशवानंद जी की समाधि स्थली है। दादाजी एक महान संत थे, जो कि अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कई घंटों तक धोनी यानी आग के पास बैठा करते थे, इसलिए उन्हें धोनी वाले दादाजी के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए इस मंदिर में आपको धोनी जलती हुई दिखाई देगी, जो कि 12 महीने ही जलती रहती है। और यहाँ धोनी वाले दादाजी का एक म्यूजियम भी है, जहाँ उनका सारा सामान, गाड़ी, बैलगाड़ी सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ आप सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 6 पे है इंदिरा सागर डैम। यह बांध खंडवा शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर पुनासा गांव के पास में स्थित है, इसलिए इसे पुनासा डैम भी कहते हैं। और यह बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा जो कि एमपी की लाइफलाइन भी कही जाती है। यह 92 मीटर ऊंचा बांध है। इस बांध का निर्माण 1984 में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। यह एमपी का सबसे बड़ा रिजर्वायर डैम है। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तरीके से बिजली उत्पन्न की जाती है। इस डैम से लगभग 100 गांवों को बिजली पहुंचाई जा सकती है। यहाँ टोटल 20 गेट है। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं और सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 5 पे है सैलानी टापू जंगल रिसोर्ट। यह जगह खंडवा से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खंडवा से थोड़ा दूर है, लेकिन यह बहुत ही खूबसूरत आइसलैंड है। यहाँ आपको कार पार्क करके स्पीड बोट से आइसलैंड पर ले जाया जाएगा, जिसका टिकट पर पर्सन 300 रुपए है। यहाँ आपको गार्डन, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया और आइसलैंड पर ठहरने के लिए कॉटेजेस भी बने हुए मिल जाएंगे। मुझे तो ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लगी, आपको भी यहाँ जरूर जाना चाहिए। नंबर 4 पे है अटल सरोवर पार्क। इसे नागचुन पार्क भी कहा जाता है। यह पार्क खंडवा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ एक म्यूजियम भी है, जहाँ आपको कुछ पुरानी मूर्तियाँ देखने को भी मिल जाएगी। और यहाँ बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया, फाउंटेन, टॉय ट्रेन भी है, जिसमें बैठकर आप पूरे पार्क की सैर कर सकते हैं। और यहाँ एक खूबसूरत तालाब भी है, जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आप सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक आ सकते हैं। नंबर 3 पे है असीरगढ़ फोर्ट। यह ऐतिहासिक किला खंडवा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर दूर से ही दिखने वाला यह किला 1370 में असा अहिर नामक एक शासक ने बनवाया था। किले के अंदर एक मस्जिद भी है, जिसका नाम असर है। इस किले पर अहिर, फारूकी, मराठा, होलकर, अंग्रेज और मुगलों का शासन रहा। इस किले को बादशाह अकबर ने फतेह किया था और वो कई दिनों तक यहाँ रुके भी थे। यहाँ आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं।
नंबर दो पे है ओमकारेश्वर टेम्पल। यह जगह खंडवा से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खंडवा जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और यहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। यह धार्मिक स्थल के साथ साथ ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल भी है। यहाँ गोविंद गुफाएं भी स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार का बना हुआ है इसलिए इसे ओमकारेश्वर का नाम दिया गया है। यहाँ शिव के शयन दर्शन का काफी महत्व है और यहाँ उनकी शयन आरती भी की जाती है। यहाँ आप दो किश्तों में आ सकते हैं, एक सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 1:15 से रात को 9:30 बजे तक। अब नंबर एक पे आता है हनुमंतिया आइसलैंड। यह आइसलैंड खंडवा से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर साल 2 महीनों के लिए जल महोत्सव होता है जिसमें आप कई सारी एक्साइटिंग एंड एडवेंचर्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। यहाँ रुकने के लिए कई सारे टेंट वाले रूम्स होते हैं जिनका एक नाइट का 6,000 चार्ज होता है। यहाँ बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया और कई सारे झूले भी है और बड़ों के लिए बोटिंग, पैरामोटर और कई सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। अगर आप खंडवा या खंडवा के आसपास के हो तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ की एंट्री फीस 15 रुपये पर पर्सन है और बाकी अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ के अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर आप भी अपनी सिटी के फैक्ट और बेस्ट प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में छोड़ जाना। पॉसिबल हुआ तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।